थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में रूल नंबर वन, नाम से ही पता लग रहा है ये काम कब करेगी, जब एक्सिस आपस में पैरेलल नहीं, क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल आपको सपोज ये मैंने एक फिगर ली, कोई भी बॉडी ली। अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है अगर आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को सीखना है। पहला रूल, ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किस पे लगती है, लेमिना। लेमिना का मतलब क्या होता है, अ 2D बॉडी, तो जिसमें मास 2 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे, जैसे रिंग 2D बॉडी है, एक्स वाई प्लेन में है, डिस्क 2D बॉडी है, शीट 2D बॉडी है, सॉलिड स्फीयर 3D बॉडी है, बाहर भी अंदर भी हर तरफ है, इस पर नहीं लगेगी, सॉलिड स्फीयर पे ही लगती है, राइट। तो ये 2D बॉडी पे लगती है और 2D बॉडी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, लेमिना पे ही लगती है, ठीक है। यहाँ तक तो मान लो 2D बॉडी है, रिंग है, डिस्क जो, शीट जो मर्जी मान लो। इसके अंदर सपोज एक एक्सेस कहाँ से पास कर रहा है, ये रहा, तो ये मान लो एक एक्सेस है और मान लो एक्सेस है जेड एक्सेस, ये मान लो जेड एक्सेस है, ठीक। और कहाँ से पास कर रहा है, एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, ठीक। दो और एक्सेस हैं, इनमें से एक एक्सेस ये रहा, ये जा रहा है, और दूसरा एक्सेस इनमें से दूसरा एक्सेस ये जा रहा है, ये रहा, सच दैट ये वाले दो एक्सेस आपस में क्या हैं, एक प्लेन में हैं और 90 डिग्री पे हैं, ये एक प्लेन में और 90 डिग्री पे हैं, ये दो एक्सेस एक प्लेन में है और ये 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट, क्लियर है। तो अब ये इमेजिन आपको, ये क्या बात बनी, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है ना। इमेजिन करो एक स्टूडेंट कहता है कि मेरा एक्सिस ये है, मैं अपनी रिंग को या डिस्क को ऐसे घुमाऊंगा तो एक्सिस कहां से पास करेगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर से, पहला पॉइंट हो गया ये रहा। दूसरा कहता है मैं तो इसको ऐसे घुमाऊंगा डिस्क को, तो एक्सिस कहाँ से पास करेगा, यहाँ से। तीसरा कहता है मैं तो ऐसे घुमाऊंगा, एक्सिस कहाँ से पास करेगा, यहाँ से। चौथा कहता है मैं तो ऐसे घुमाऊंगा, तो एक्सिस यहाँ से, देखो जैसे वो घुमाएगा एक्सिस वहीं से ले लेंगे। तो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ कि सच दैट एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा और दूसरा एक्सिस ये रहा। तो दो एक्सिस ये वाला और ये वाला एक प्लेन में है, ये दो एक्सिस एक प्लेन में है और तीसरा एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका ये रूल है, रूल नंबर वन, ये किस पे लगती है, लेमिना के ऊपर। रूल नंबर टू, इसमें तीन एक्सिस लेने होते हैं और तीनों आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए और उन तीन एक्सिस में से दो एक्सिस इसके प्लेन में होने चाहिए, तो एक ये प्लेन और एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ये एक इसके प्लेन में है, और तीसरा एक्सिस इन दोनों एक्सिस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और तीनों एक्सिस कहाँ से पास होने चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने चाहिए। तो फॉर्मूला है कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई के इक्वल होगा, ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लें, कैसे लगानी है अभी बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला है, तो एक्स और वाई एक प्लेन में है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। अब कई लोग ना याद करते हैं, याद कैसे करते हैं कि सर ने कहा था कि जेड के लॉन्ग इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग प्लस वाई के लॉन्ग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कल को किसी किताब ने यहाँ पर वाई लिख दिया, यहाँ एक्स और वाई जेड लिख दिया, तो फिर क्या होगा, वाई के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्स के लॉन्ग प्लस जेड के लॉन्ग। आप एक्स वाई जेड ना याद करें, आप ऐसे याद करें, आप तीन एक्सेस में से दो एक्सेस ढूंढें जो एक प्लेन में है और तीसरा इनके परपेंडिकुलर है, बाहर जाएगा, आउट ऑफ प्लेन है, जो आउट ऑफ प्लेन है उसका आंसर इन प्लेन के सम के इक्वल होगा, सिंपल है। तो अगर दो एक्सिस एक प्लेन में है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है और इसके अबाउट 20 है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, 10 + 20 = 30, ऐसे याद करें, क्लियर है यहाँ तक। तो दो एक्सिस एक प्लेन में होंगे, उनका सम तीसरे एक्सिस के इक्वल जाएगा, नाम चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई किताबें लिखेंगी आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, आपको कहे सर गलत लिखा हुआ है, गलत क्यों लिखा हुआ है, आप डायग्राम देखें, दो एक्सिस का नाम जो मर्जी रखें, दो एक्सिस जो एक प्लेन में है जो मर्जी नाम रखें, तीसरा एक्सिस जो होगा उसका आई उन दो एक्सिस के सम के इक्वल ही होगा, प्रोवाइडेड तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे ही होने चाहिए। मैंने कहा
जेड और एक्स अगर आप लेते हो, आप कहते हो एक प्लेन है, ये कहता है कि जेड और एक्स एक प्लेन है और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो चल सकता था। आपने सिर्फ एक्सिस ही देखा, बॉडी को देखनी है, बॉडी तो एक्स वाई प्लेन में है ना, तो बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो तीसरा एक्सिस तो ऊपर बनेगा ना जेड, तो जेड का आई इज इक्वल टू एक्स और वाई। ऐसे तो यार हर दो एक्सिस एक प्लेन में होंगे ही होंगे, लेकिन बॉडी देखो किस प्लेन में पड़ी है, तो दो एक्सिस बॉडी के अंदर होने चाहिए, बॉडी में से पास होने चाहिए, और तीसरा इनके बॉडी के परपेंडिकुलर। तो जो बॉडी के परपेंडिकुलर होगा एक्सिस, उसका मोमेंट इनर्शिया बॉडी के अंदर पड़े हुए एक्सिस के सम के इक्वल होगा। ये इसका मतलब, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लगा के दिखाता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल है, आपको सपोज एक रिंग दी, मान लो मैंने कहा एक रिंग है, ठीक है, और मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायामीटर। ये लिखते जाओ प्लीज, पासिंग थ्रू डायामीटर, क्योंकि मैंने असाइनमेंट में लिखा नहीं हुआ मैंने सारा ये। एक बात बताओ, जो डायमीटर है वो कैसे होता है? ये रिंग है, डायमीटर क्या होगा इसके? प्लेन में होगा, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे कोई भी एक डायमीटर ले लो, आपकी मर्जी। क्योंकि अगर एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट इनर्शिया 10 आता है, तो हर डायमीटर का 10 ही होगा, सिमेट्रिकल फिगर है। ये थोड़ा कि इसी डायमीटर का 10 आएगा, जो मर्जी ले लो आंसर सेम ही आएगा, एक डायमीटर कोई भी ले लो, ठीक है यहाँ तक। तो एक नहीं, मैं इसमें दो डायमीटर लेता हूँ। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक एक्सिस कहाँ ले लिया, एक तो ये ले लिया, एक तो ये ले लिया जो कहाँ से पास कर रहा है, इसके सेंटर और मास से सेंट्रल है। इसके अबाउट रिंग का फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी मालूम है, तो रिंग का मोमेंट इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मालूम है। अब दो एक डायमीटर मुझे निकालना क्या है, डायमीटर के अबाउट निकालना है, डायमीटर जो मर्जी लो मेरी मर्जी है। तो मैंने दो डायमीटर चूज कर लेने हैं, पहला डायमीटर मैंने ये ले लिया और दूसरा डायमीटर मैंने ये ले लिया। ये ऐसे नहीं है प्लीज, ये इस बोर्ड के अंदर चलो ऐसे बना लेता हूं मैं, एक डायमीटर ऐसे ले लिया, एक डायमीटर ऐसे ले लिया, सच दैट ये दो डायमीटर आपस में 90 डिग्री में, जानबूझ के एक्सिस दो लिए जो आपस में क्या है 90 पे है, राइट। अब ये तीन एक्सिस कहां से पास कर रहे हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे हैं। तो ये मान लो आई डायमीटर है, ये भी आई डायमीटर है, वैल्यू तो सेम ही आएगी। अब मैंने क्या रूल सिखाया कि अगर आपके पास दो एक्सिस हैं, दोनों में एक ही प्लेन में पास कर रहे हैं आईडी आईडी, और तीसरा एक्सिस इनके परपेंडिकुलर है, तो जो एक्सिस परपेंडिकुलर है एम आर स्क्वायर, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो एक प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस हैं उनके सम के इक्वल होगा। एक्स वाई जेड तो याद करना ही नहीं ना, तो आईडी प्लस आईडी दोनों परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये आंसर आ गया। तो यहां से एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into ID, तो I of D की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 एम आर स्क्वायर, आंसर ठीक है यहां तक। तो ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे काम कर रही है समझ में आ रहा है? तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एक शॉर्टकट है, और मैं आपको एक शॉर्टकट का भी शॉर्टकट करवाने वाला हूं कि अगर आज के बाद सिमेट्रिकल फिगर है और आपको I की वैल्यू इस एक्सिस में पता है, तो डायमीटर में जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। पता ही है कि आईडी प्लस आईडी तो 2 into ID होगा, तो वैल्यू तो हाफ ही हो जाएगी। तो अगर आपको एक रिंग है, एक रिंग का आई आपको गिवन है, इस एक्सिस में 10 है, तो डायमीटर में 100% वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ही शॉर्टकट हो गया, क्लियर है। और सिर्फ रिंग नहीं, यही काम अगर आप डिस्क में लगाएं तो डिस्क के अंदर भी सेम रूल लगेगा। रिंग और डिस्क में क्या फर्क है, कोई फर्क थोड़ी ना है, ये एम आर स्क्वायर है,
डिस्क के केस में क्या हो जाएगा, ये हाफ एम आर स्क्वायर। तो अगर मैं अपने फिगर को चेंज कर दूं और अपने फिगर में इसको क्या बना दूं, ये मेरी एक डिस्क है और मुझे डिस्क के डायमीटर के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हाफ एम आर स्क्वायर, बाकी तो सेम है, और यहाँ पर भी क्या करूँगा, हाफ एम आर स्क्वायर, बाकी तो सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा जो आंसर है वो 1/2 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लिख लो डिस्क का आंसर, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट हाफ 1/4 एम आर स्क्वायर। तो शॉर्टकट का, शॉर्टकट क्या कहता है, अगर डिस्क का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है सेंट्रल एक्सिस का, तो डायमीटर में हाफ कर दो तो 1/4 एम आर स्क्वायर।